सीलिंग वैल्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर से भी, और सबसे इजी मेथड जिसमें आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लोरिंग वैल्यू का जो हम शो करने का तरीका है वो इस ब्रैकेट से है, इसको फ्लोरिंग वैल्यू से शो करते हैं, और जो सीलिंग वैल्यू का ब्रैकेट है वो इस तरीके से शो होता है। सबसे मेथड इजी तरीका है, फ्लोरिंग मतलब नीचा, तो उसमें नीचे ब्रैकेट बना होता है, सीलिंग मतलब ऊपर, फिर ऊपर ब्रैकेट बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें फ्लोरिंग और सीलिंग वैल्यू निकालनी है किसी भी एक फ्रैक्शन वैल्यू की, जैसे हमारे पास है 9/6, ठीक है। अब इसका फ्लोरिंग और सीलिंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं 9/6 करें तो दैट इज ये आया 1.5। अब इसमें फ्लोरिंग और सीलिंग वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू भी क्यों ना हो, हम अगर इसको मैप करें तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1.5 हमारा कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ कहीं मैप करेगा, तो जो जिस दो इंटरवल के बीच में आपका मैपिंग हो रही है उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वो शो करेगा फ्लोरिंग वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो शो करेगा सीलिंग वैल्यू। इट मीन्स कि अगर हमें 9/6 का फ्लोरिंग वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी 1, और अगर 9/6 की फ्लोरिंग सीलिंग वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी 2। थैंक यू।